मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को, आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर। चुनौती देता हूं मैं आपको, इस पूरी पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फर्जीवाड़ा, फोर्जरी, फोर्ज्ड साइन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मैं बीजेपी से डरता नहीं और ना डरने वाला। बीजेपी का मूल मंत्र है रिपीट अ लाई 1000 times एंड इट बिकम्स द ट्रुथ। एक असत्य को, झूठ को 1000 बार बोलो और 1000 बार वो सच्चाई में तब्दील हो जाए। इस मंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए, और इसी के चलते मुझे आज आपके सामने आना पड़ा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। अमूमन ये देखा जाता है जब भी किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार समिति कोई कार्रवाई शुरू करती है, यानी कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कोई प्रोसीडिंग शुरू करती है, तो वो शख्स उस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन मेरे को मजबूरन आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि इतना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी अपने बयान में ना कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, ना ऑनरेबल चेयर के बारे में कोई भी बयान दूंगा। मैं सिर्फ रूल, पोजीशन और सच्चाई आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि यह रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है, ये रूल बुक लाल किताब, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमिटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित, प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना सिग्नेचर की जरूरत होती है। नो सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, नो सिग्नेचर्स आर टेकन एंड नो सिग्नेचर्स आर सबमिटेड। तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं, जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं, तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं, और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई। मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को, आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको, अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ, मैं आपको चुनौती देता हूं। साथियों, मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि बीजेपी के अज्ञान का, उनके इग्नोरेंस का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई विवादित, कॉन्ट्रोवर्शियल बिल सदन के भीतर आता है, तो एक समिति गठन की एक प्रक्रिया बताई गई है कि अगर कोई मेंबर चाहे कि इस बिल पर मतदान ना हो, इस बिल पर और चर्चा हो और इस बिल में क्या चेंजेस किए जाए वो बताए जाए, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाए। उस समिति में कुछ नाम प्रस्तावित किए जाते,
और जिस शख्स को उस समिति में नहीं रहना वो अपना नाम विड्रॉ कर लेता है। ये प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है, किसी को जर जबरदस्ती नहीं बिठा दिया। मैं आपको एक बहुत सरल एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाहूंगा और आप सब वो मेरी बात समझ जाए। मान लीजिए कि मेरा जन्मदिन है, मैं अपने जन्मदिन की दावत देता हूँ, एक बर्थडे पार्टी आयोजित करता हूँ। अपनी बर्थडे पार्टी में मैं 10 लोगों को न्योता देता हूँ आने के लिए। 10 में से 8 लोग मेरा न्योता स्वीकार लेते हैं, आ जाते हैं। 2 लोग मेरा न्योता नहीं स्वीकारते, उल्टा मुझे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने की, तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मजाल कैसे होगी कि तुमने हमें अपने जन्मदिन का न्योता दे दिया। ये वही बात है, मैंने तो समिति में शामिल करने के लिए न्योता दिया, कोई हस्ताक्षर थोड़ी दिया। लेकिन वो 2 लोग मुझसे खफा हो गए। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे पत्रकार आए, मैंने अपनी पार्टी को 10 पत्रकारों का नाम प्रस्तावित किया कि इन 10 पत्रकारों को आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लीजिएगा, मैं मीडिया से संवाद करना चाहता हूं। 10 में से 8 पत्रकार आ गए, 2 पत्रकार नहीं आए, और जो 2 पत्रकार नहीं आए वो कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 2 पत्रकार नाराज हो गए। ये साफ तौर पे इस समस्या का एक सरल सा एग्जांपल है। मैं ये बात रखना चाहता हूं कि जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज हुई, जिस मामले को कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को रेफर करा गया, उसका ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन नहीं, सरकारी डॉक्यूमेंट है। मैं आज बहुत सबूत लाया हूं दिखाने के लिए आप सबको, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन है जिसके तहत मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई उसे विशेषाधिकार समिति को विचार के लिए भेजा गया। इस पूरी पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फर्जीवाड़ा, फोर्जरी, फोर्ज्ड साइन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सिर्फ इतना बोला गया कि इसकी जांच करके बताइए, अगर कोई फोर्जरी होती, कोई फर्जीवाड़ा होता, सिग्नेचर शब्द का प्रयोग तो कम से कम किया गया होता इस पार्लियामेंट्री बुलेटिन में। ये सरकारी दस्तावेज है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का, इसमें भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जब साइन है ही नहीं तो साइन आएंगे कहां से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला करना आसान नहीं है, इसलिए आज आपके सामने आकर ये बात रखी। और जहां तक विशेषाधिकार समिति का प्रोसीडिंग्स का मामला है, प्रिविलेज कमिटी का मामला है, इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ने प्रोसीडिंग्स शुरू करी, कार्रवाइयां करी, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम आता है, मनमोहन सिंह जी का नाम आता है, मुरारजी देसाई जी का नाम आता है, सुषमा स्वराज जी का नाम आता है, अरुण जेटली जी का नाम आता है। उस श्रेणी के अंदर अगर हमें भी शामिल किया गया तो कोई बात नहीं है, मजबूती से अपना जवाब विशेषाधिकार समिति के सामने, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के सामने देंगे। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं और पूरी न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, और मेरा विश्वास है कि कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस अंत में दूध का दूध और पानी का पानी कर न्याय अवश्य करेगी। ये बात थी कि क्या हुआ, अब मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं ये हुआ क्यों, ये विवाद कहां से खड़ा हुआ, ये क्यों इतनी अफवाह फैली। ये इसलिए फैली क्योंकि सोमवार दोपहर सदन के अंदर आम आदमी पार्टी की ओर से मैंने पूरी मजबूती से दिल्ली के अध्यादेश पर अपना वक्तव्य दिया, और उसके ठीक 6 घंटे बाद मेरे खिलाफ बीजेपी ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। इनको दिक्कत यह नहीं है कि मैंने नाम प्रस्तावित करे, इनको प्रॉब्लम यह नहीं है कि मैंने किसी कमेटी के गठन के लिए कुछ एमपी के नाम दे दिए, इन्हें दिक्कत यह है कि एक 34 साल के युवा ने हमें खड़े होकर ललकारा कैसे। एक युवा ने हमसे मजबूती से सवाल कैसे पूछे, और कैसे एक इस सुपारी जितनी पार्टी, जैसा कि गृह मंत्री जी कहते हैं, इस सुपारी जितनी पार्टी के एक युवा सांसद ने दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं से, देश के सबसे बड़े सदन में खड़े होकर सवाल कैसे पूछे। इन्हें दर्द इस बात का है, हमने अपने वक्तव्य में बीजेपी के पुराने मैनिफेस्टो दिखाकर उनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया, दिल्ली वालों के लिए न्याय मांगा, यहां तक कि लाल कृष्ण अडवाणी जी और स्वर्गीय वाजपेयी जी के लिए न्याय मांगा। ये दर्द शायद बीजेपी को सता रहा है, इसके चलते
आज वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, बीजेपी पूरी तरीके से मेरे पीछे है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हफ्ते के ये दूसरा नोटिस कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस का मुझे आया। इट इज द सेकंड टाइम कि मुझे किसी विषय में कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ने नोटिस दिया हो, एक ही हफ्ते में। शायद ही इतिहास में कभी आज से पहले ऐसा हुआ। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के समय हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। जैसे राहुल गांधी जी की मेंबरशिप छीन ली, हमारे दो सांसद संजय सिंह जी, सुशील कुमार रिंकू जी, दोनों को सस्पेंड कर दिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक ऑफ किया जाता है। अगर कोई विपक्ष का साथी खड़े होकर अपनी बात रखता है तो सदन के अंदर खड़े मंत्री उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, बैठ जाओ चुप करके। इस प्रकार से एक अघोषित आपातकाल लगाने का प्रयास बीजेपी इस देश में कर रही है, और उनका यही मकसद होगा शायद कि मेरी आवाज को भी दबाया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। आप कार्रवाइयां मेरे खिलाफ जितनी मर्जी करिए, आरोप जितने मर्जी लगाइए, लेकिन ये आवाज ना दबेगी ना बंद होगी। और अंत में मैं हाथ जोड़कर बस इतनी विनती करना चाहूंगा आप सब मीडिया के साथियों से कि ये जो आप लगातार पिछले 3 दिन से बीजेपी के झांसे में आकर ये चला रहे हैं कि कोई फर्जीवाड़ा हो गया, फोर्ज सिग्नेचर है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार की झूठी खबरें ना चलाएं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सच दिखाएं, आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। कृपया करकर बीजेपी के प्रोपेगेंडा में ना फंसे। एक छोटे सेक्शन ऑफ मीडिया ने जरूर एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया और मुझे मजबूरन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ना रिकॉर्ड्स में, ना कंप्लेंट्स में, ना पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फोर्जरी शब्द का प्रयोग किया गया है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जिन जिन सांसदों ने मेरे खिलाफ फोर्जरी के आरोप लगाए, सदन के बाहर मैंने देखा कई सारे बीजेपी के लोकसभा के सांसदों ने बयान दिए, राज्यसभा के तो शायद किसी सांसद ने नहीं दिए, लेकिन लोकसभा के कुछ सांसदों ने मेरे खिलाफ ये बयान दिए, मुझे उनके खिलाफ भी मजबूरन कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस में न्याय मांगने के लिए जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी, और कोर्ट के बाहर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, न्यायपालिका में भी न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। और मैं हर संभव लड़ाई के लिए तैयार हूं, मैं बीजेपी से डरता नहीं और ना डरने वाला हूं।